लायर बर्ड ऑस्ट्रेलिया का एक अद्वितीय और आकर्षक पक्षी है, जो अपनी अविश्वसनीय आवाजों की नकल करने की क्षमता और सुंदर पूंछ के लिए प्रसिद्ध है। इस पक्षी की अद्वितीय विशेषताएं, उसके व्यवहार और प्राकृतिक आवाज के बारे में जानना बहुत ही रोचक है। नमस्कार, आइए इस अद्भुत पक्षी के बारे में विस्तार से जानते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सुपर्ब लायर बर्ड एक ऑस्ट्रेलियाई पासरीन गीत गाने वाली चिड़िया है और यह परिवार मेनुरिडे की दो प्रजातियों में से एक है। दूसरी प्रजाति बहुत दुर्लभ अल्बर्ट्स लायबर्ड मेन्यूरा अल्बर्टी है। अल्बर्ट्स लायर बर्ड एक दुर्लभ प्रजाति है और यह केवल दक्षिणी क्वींसलैंड और उत्तरी न्यू साउथ वेल्स के सीमित वर्षावनों में पाई जाती है। प्रसिद्ध प्रकृतिवादी डेविड एटनब्रॉग ने सुपर्ब लायरबर्ड को ध्वनि कौशल में सबसे उन्नत बताया है। उनका कहना है कि यह पक्षी सबसे जटिल, सबसे खूबसूरत और सबसे शानदार है। सुपर्ब लायरबर्ड का इतिहास और विकास लगभग 18 मिलियन साल पुराना माना जाता है। यह पक्षी उन प्रारंभिक पक्षियों में से एक है जिनका विकास गोंडवाना नामक महाद्वीप के विघटन के बाद ऑस्ट्रेलिया में हुआ। गोंडवाना दक्षिणी महाद्वीपों का एक विशाल भूखंड था जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और भारतीय उपमहाद्वीप शामिल थे। समय के साथ लगभग 180 मिलियन साल पहले गोंडवाना का विघटन शुरू हुआ और धीरे धीरे ये महाद्वीप एक दूसरे से अलग होने लगे और अलग अलग जीवों का विकास हुआ। सुपर्ब लायरबर्ड मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के घने वर्षावनों और आर्द्र जंगलों में पाया जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक है। इन पक्षियों को मुख्य रूप से गीले जंगल और वर्षावन पसंद होते हैं, जहां पेड़ों के नीचे गिरी हुई पत्तियों की मोटी परत होती है। लायरबर्ड का वैज्ञानिक नाम मेन्यूरा नोवे होलैंडिये है। इसकी सामान्य नाम की उत्पत्ति इसके पूंछ की विशेषताओं से हुई है, जहां मेन्यूरा ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है चंद्रमा और पूंछ, जो मेन्यूराइडी परिवार में आता है। सुपर्ब लायरबर्ड की लंबाई 80 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। नर पक्षी मादा से बड़ा होता है। नर की पूंछ में 16 लंबे पंख होते हैं। इसकी पूंछ की लंबाई लगभग 55 सेंटीमीटर तक होती है और जब यह पूरी तरह से फैलती है तो यह वीणा लायर के आकार की दिखाई देती है, जिससे इसे लायर बर्ड कहा जाता है। ये पंख प्रजनन के समय नृत्य प्रदर्शन में उपयोग किए जाते हैं। मादा एक साधारण घोंसला बनाती है और एक ही अंडा देती है। अंडा सेने और बच्चे की 6 सप्ताह में अंडे से बाहर आता है। इसका जीवन काल 10 से 15 साल तक हो सकता है। सुपर्ब लायर बर्ड एक शर्मीला और जमीन पर अकेला रहने वाला पक्षी है। यह अधिकांश समय जमीन पर बिताता है और भोजन की तलाश में मिट्टी को पंजों से खरोंचता है और छिपे हुए कीड़ों को ढूंढते हैं। यह मुख्य रूप से कीड़े मकोड़े, कैंचुए और छोटे अकशेरुकी प्राणियों का सेवन करता है। यह ज्यादातर जमीन पर रहता है और खतरे के समय तेजी से उड़ सकता है। सुपर्ब लायबर्ड अपनी अद्भुत नकल क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। नर पक्षी अपनी अधिकांश आवाजें अन्य पक्षियों की आवाज की नकल करते हुए निकालते हैं, यहां तक कि वे मानव निर्मित ध्वनियों जैसे कि कैमरे के शटर, कार के अलार्म और आरी की आवाज की भी नकल कर सकते हैं। ये अपनी मिमिक्री और जटिल गानों के माध्यम से मादा को आकर्षित करता है। इसकी आवाजों की जटिलता पक्षी संसार में अद्वितीय है। मादा लायरबर्ड आमतौर पर आवाज की नकल नहीं करती है। वे मुख्य रूप से अपने घोंसले और अंडों की रक्षा करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। सुपर्ब लायरबर्ड को ऑस्ट्रेलिया के प्रतीक पक्षी के रूप में देखा जाता है। इसकी छवि ऑस्ट्रेलिया के 10 सेंट के सिक्के पर भी अंकित है। इसके साथ ही यह ऑस्ट्रेलिया वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रमों में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऑस्ट्रेलिया में इसकी प्रजाति की सुरक्षा के लिए कई नेशनल पार्क और संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं, जहां इसे इसके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जा रहा है। लायरबर्ड की मिमिक्री और ध्वनियों की जटिलता कलाकारों और संगीतकारों को भी प्रेरित करती है।
यह पक्षी ऑस्ट्रेलियाई कला और फिल्मों में भी चित्रित किया जाता है। सुपर लायर बर्ड का अद्वितीय ध्वनि कौशल और प्राकृतिक सुंदरता इसे दुनिया के सबसे खास पक्षियों में से एक बनाती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।